झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधियों का सूचनात्मक सार, झारगव साप्ताहिक समाचार। शुरुआत करते हैं 16 अक्टूबर से। इस दिन रांची में आयोजित एक समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित 827 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। सीएम ने कहा कि बच्चों का भविष्य संवारने में शिक्षकों की भूमिका बेहद अहम होती है। डेंटल डॉक्टर्स का भी नियुक्ति किया, पंचायत सचिवों में भी नियुक्ति की, राजस्व विभाग में भी हम लोगों ने नियुक्तियां की, वित्त विभाग में भी कई नियुक्तियां हुई, शिक्षा विभाग में भी पहले कई नियुक्तियां हुई, लगभग 3,500 शिक्षकों की बहाली पहले ही हो चुकी है। अब 17 अक्टूबर की बात करेंगे। हजारीबाग के लोटवा डैम में डूबने से 6 बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए सीएम ने जान गंवाने वाले बच्चों की आत्मा की शांति की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ झारखंड की मेजबानी में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की तैयारियों को लेकर हाई लेवल बैठक की। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। वहीं सीएम ने मीडिया से मुखातिब होकर जानकारियां साझा की। ये अपने तरीके का एक अलग आयोजन है और मुझे लगता है कि इससे राज्य में जो खेल के प्रति नौजवानों का रुझान है वो और बढ़ेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय में रांची नगर निगम अंतर्गत कार्यरत रहे आउटसोर्स कर्मी स्वर्गीय विशाल उरांव के परिजनों को आर्थिक सहायता हेतु 2,00,000 रुपए का चेक सौंपा तथा परिजनों के प्रति संवेदना जताई। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, आयुष्मान भारत योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा संचालित अस्पतालों की स्थिति एवं 108 एम्बुलेंस सेवा की अब तक की कार्य प्रगति की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों को अहम निर्देश भी दिए। अब एक नज़र 18 अक्टूबर पर। इस दिन झारखंड कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। मंत्रिपरिषद ने बैठक में जेल के अस्पतालों में कार्यरत पारा मेडिकल स्टाफ की सेवा नियमावली में संशोधन, पुरानी पेंशन योजना के तहत 700 करोड़ रुपया निवेश करने तथा पेयजल स्वच्छता विभाग अंतर्गत कार्यरत जल सहियाओं के लंबित मानदेय भुगतान के लिए 1 अरब रुपए की स्वीकृति सहित 29 अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। लुगुबुरु घाटा बाड़ी धोरोमगढ़ के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने सीएम को अपने मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि राज्य सरकार ने आवास विहीन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए अबुआ आवास योजना के तहत विभिन्न चरणों में आवास निर्माण का लक्ष्य रखा है। वहीं सीएम ने कहा कि सरकार ग्राम गाड़ी योजना के जरिए राज्य के ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने में जुटी है। जो वंचित गरीब जिनको आवास नहीं मिल पा रहा था, अब उन गरीबों को राज्य सरकार अपने मद से अब वह आवास का योजना प्रारंभ कर आवास देने का काम, बल्कि जो पहले प्रधानमंत्री आवास जो उपलब्ध होता था उससे बड़ा आवास मिलेगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना भी हम लोगों ने आज स्वीकृति प्रदान की है, जिसके माध्यम से लगभग 1 करोड़ से अधिक, लगभग 30% राज्य की जनता को इसमें बिना पैसे का सफर करने का मौका मिलेगा।
अब रुख करते हैं 19 अक्टूबर का। इस दिन सीएम हेमंत सोरेन की उपस्थिति में रांची स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट क्षेत्र में अपोलो अस्पताल के निर्माण के लिए रांची नगर निगम और अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज लिमिटेड चेन्नई के बीच सब लीज डीड पर हस्ताक्षर किया गया। नवरात्र महापर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के कई पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। वहीं सीएम ने कई पंडालों का भ्रमण भी किया। इस मौके पर सीएम ने मां दुर्गा से राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन एवं अन्य संबंधित विषयों को लेकर राज्य के सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, साथ ही अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। अब बात करेंगे 20 अक्टूबर की। इस दिन भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवरात्र के षष्ठी के अवसर पर रांची के हरिमती दुर्गा पूजा पंडाल तथा बांधगढ़ी दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया तथा मां दुर्गा से राज्य की खुशहाली की कामना की। दूसरी ओर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें हार्दिक बधाई दी।